हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 2009 जून तक के सभी यूजीसी नेट के पेपर अपलोड किए हैं फ्रॉम 2004, और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो आज जो ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दिसंबर 2009 का पेपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन बेन जॉनसन्स वॉलपोन इज। बेन जॉनसन का जो वॉलपोन है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज एरिस्टोफेन। Aristophanes was a comic playwright of ancient Athens. 11 of his 40 survive virtually complete. 11 of his 40 plays survive virtually complete. These provide the only real examples of genre of comic drama known as old comedy. He is also known as father of comedy and the prince of ancient comedy. Question number 2. Kipling's The White Man's Burden is addressed to. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, द अमेरिकन इम्पीरियल मिशन इन द फिलीपींस। इसको देख लेते हैं, द वाइट मैंस बर्डन, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपींस आइलैंड 1899 बाई रूडयार्ड किपलिंग इज अ पोएम अबाउट फिलीपाइन अमेरिकन वॉर। देन क्वेश्चन नंबर 3, पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स वॉज फाउंडेड बाई हैरियट मोनरो इन विच ईयर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज 1912। पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन शिकागो सिंस 1912 इज वन ऑफ द लीडिंग मंथली पोइट्री जर्नल इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज जॉफ्री चॉसर्स कंटेम्प्ररी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज जॉन गोवर। जॉन गोवर वॉज एन इंग्लिश पोएट, अ कंटेम्प्ररी एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ जॉफ्री चॉसर। ही इज रिमेंबर्ड प्राइमरली फॉर 3 मेजर वर्क, दैट इज वॉक्स क्लेमेंटिस, कन्फेसो एमेंटिस एंड मिरोर डी एल ओमे। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई वॉल्टर स्कॉट। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज द इंग्लिश मेल कोच। अदरवाइज ये जो तीनों दिए हैं ये इनका ही वर्क है। सो द इंग्लिश मेल कोच इज एन एस्से बाय द ऑथर थॉमस डी क्विंसी। इट इज 3-part मास्टरपीस एंड वन ऑफ हिज मोस्ट मैग्निफिसेंट वर्क। इट फर्स्ट अपियर्ड इन 1849। द एस्से इज डिवाइडेड इन टू 3 सेक्शन, दैट इज द ग्लोरी ऑफ मोशन, सेकेंड द विजन ऑफ सडन डेथ एंड थर्ड ड्रीम फेग फाउंडेड ऑन प्रोसीडिंग थीम ऑफ सडन डेथ। सो ये जो इंग्लिश कोच मेल है ये डी क्विंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसे है जिसको 3 part में डिवाइड किया गया था। ये तीनों पार्ट का नाम है। और वॉल्टर स्कॉट की अगर हम बात करें तो ये जो तीनों ऊपर का वर्क है, इवैनहो, लेडी ऑफ द लेक एंड हार्ट ऑफ मिडलोथियंस, ये जो है ये तीनों वॉल्टर स्कॉट का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप इज कंसेप्ट प्रपाउंड बाई। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज दीपेश चक्रवर्ती। प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप पोस्ट कॉलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंसेज एड्रेस द मिथिकल फिगर ऑफ यूरोप दैट इज ऑफन टेकन टू बी ओरिजिनल साइट ऑफ मॉडर्निटी इन मेनी हिस्ट्रीज एंड कैपिटलिस्ट ट्रांजिशन इन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 7, द अर्लीस्ट ट्रैक्ट ऑफ फेमिनिज्म इज। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, दैट इज मैरी एस्टिल्स, अ सीरियस प्रपोजल टू द लेडीज। मैरी एस्टिल्स वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू एडवोकेट द आइडिया दैट वुमेन वर जस्ट एज रैशनल एज मैन एंड जस्ट एज डिजर्विंग ऑफ एडुकेशन। अ सीरियस प्रपोजल वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1694। सो अर्लीस्ट ट्रैक्ट अगर आपसे पूछा जाए फेमिनिज्म का तो मैरी एस्टिल, A serious proposal of ladies, serious proposal to the ladies. Question number 8 is the match. Match the following है, आपको इसको match करना है तो देख लेते हैं इसमें option में देख लेते हैं। Correct option है option B. Emily Bronte, her novel's background is Edgen Heath. Emily Bronte set her novel's background in Edgen Heath. Although Egdon's Heath is a fictitious area of Thomas Hardy's Wessex.
थॉमस हार्डी, इसमें ये दिया हुआ है, प्लेस के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किसका फिक्टिशियस या इमेजिनरी लोकेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। सो हमने अभी एमिली ब्रॉन्टे का देखा, एग्डन हीथ इनका जो है फिक्टिशियस या कह लीजिए इमेजिनरी लोकेशन है जो ये अपने नॉवेल्स में यूज़ करती थी। थॉमस हार्डी की बात करें तो इन्होंने वेसिक्स को यूज़ किया है, चार्ल्स डिकेंस की बात करें तो इन्होंने कोक टाउन को यूज़ किया है, और शार्लेट ब्रॉन्टे की बात करें तो इन्होंने यूज़ किया है लोवुड पार्सोनेज को यूज़ किया है शार्लेट ब्रॉन्टे ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच चौसेरियन टेक्स्ट पैरोडीज डांटेज द डिवाइन कॉमेडी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम इज अ मिडिल इंग्लिश पोएम बाय जॉफ्री चौसर, प्रोबेबली रिटन बिटवीन 1379 टू 1380। क्वेश्चन नंबर 10, एसे ऑफ इलिया वॉज पब्लिश्ड इन, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज 1823। एसे ऑफ इलिया इज अ कलेक्शन ऑफ एसे रिटन बाई चार्ल्स लैम, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन अ बुक फॉर्म इन 1823। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोसेक्सुअल फिक्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मॉरिस। मॉरिस इज अ नॉवल बाई ईएम फ्रॉस्टर, इट वॉज रिटन इन 1913 एंड 1914। इट इज अ टेल ऑफ सेम सेक्स लव इन अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12, डब्ल्यू बी इट्स ईस्टर 16 इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज अ रिस्पॉन्स to a major political uprising. So Easter 1916 is a poem describing the poet's torn emotion regarding the event of the Easter rising staged in Ireland against British rule. Question number 13, William Ibsen's 7 type of ambiguity is, iska correct option hai D, an analysis of poetic ambivalence. 7 type of ambiguity is a work of literary criticism by William Ibsen, which was first published in 1930. The book is organized around 7 type of ambiguity that Ibsen find it in the poetry he criticizes. Question number 14, who among the following is associated with the ideology of utilitarianism? So utilitarianism se related inki ideology hai. Question number C, that is J.S. Mill. John Stuart Mill was an English philosopher, political economist, feminist, civil servant. He propound a utilitarianism ka concept. Then question number 15, the condition of England literature refers to, iska option is C, the literature of England depict the vulnerability of a labor class. Then question number 16, Philip Sidney wrote an apology for poetry in immediate response to, iska correct option hai C, that is Stephen Gosson, the school of abuse. An apology for poetry or a defense of poesy is a work of literary criticism written in approx 1579 and published in 1595. It is generally believed that he was at least partly motivated by Stephen Gosson. Then question number 17, silence the court is in session is, iska correct option hai Marathi. Silence the court is in session is a Marathi play written by a playwright Vijay Tendulkar and first performed in 1968. The play was written in 1963. Question number 18, arrange the following in ascending order in the term of size. So iska correct option hai correct option hai C, aur dekh lenge sabse pehle epigram aayega, is a brief, interesting, memorable and sometimes surprising or satirical statement. Then dusra hai poetry, in poetry a stanza is grouped set of lines within a poem. Then sonnet aata hai, a sonnet is a poetic form which signified a poem of 14 lines and that follow a strict rhyme scheme and specific structure. Then epic aata hai, an epic poem is lengthy narrative poem ordinarily concerning a serious subject containing detail of heroic deeds and events. Question number 19, fail I lone in words and deeds, why all man strive who succeeds. Iska correct, ye jo line hai ye kahan se liya gaya hai pooch rahe hain, to iska correct option hai option D, that is the last ride together. The last ride together 1891 by Robert Browning is a monologue
monologue of rejected lover exploring the end of love of a love affair. Question number 20, Dr. Johnson's The Vanity of Human Wishes expresses. So iska correct option hai D, cynicism. So The Vanity of Human Wishes, the 10th satire of Juvenal imitated in right, is written by 1749. As a subtitle suggests, it is an imitation of satire by Latin poet Juvenal. Question number 21, a trivial comedy for a serious people was subtitled of. Iska correct option hai D, The Importance of Being Earnest. The Importance of Being Earnest, a trivial comedy for serious people, is a play by Oscar Wilde. It was first performed in 1895. It is a farcical comedy. Then question number 22, the famous elegy closes with the following line. कौन सी लाइन है? In the desert of the heart, let the healing fountain start. In the prison of his day, teach the free man how to praise. So इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, जिसको लिखा है W.H. Auden ने. क्वेश्चन नंबर 23, द टेम्पल इज अ कलेक्शन ऑफ पोयम. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट. जॉर्ज हर्बर्ट वॉज अ वेल्स पोएट, ओरेटर, एंग्लिकन प्रीस्ट. In 1623, all Herbert's poems were published, The Temple, Sacred Poems and Private Ejaculation. Ye iska complete naam tha. Then question number 24, Ben Jonson's comedies are, iska correct option hai B, Walpone, Alchemist and Epicone. So Walpone is a comedy first performed in 1605 and 6, drawing an element of city comedy and beast fable. The Alchemist is a comedy first performed in 1610 by the Kingsmen. And Epicone or the Silent Women was originally performed by Blackfriar Children or a Children of Queen Reveals in 1609. Question number 25, what is L. Allegro companion piece called? So iska correct option is C, that is L. Penseroso. L. Allegro is a pastoral poem by John Milton published in 1645. L. Allegro means the happy man, is invariably paired with a contrasting pastoral poem, that is El Penseroso, that means the melancholy man, which depict a similar day spent in contemplation and thought. Question number 26, match the character with novel. अब इसमें ये character दिया हुआ है और novel दिया हुआ है, आपको इसमें match करना है. So इसको देख लेते हैं. The Sound and the Fury, जिसको जो कि William Faulkner का work है, इसमें जो main character है उसका नाम है Caddy Compson. Then Of Mice and Man, ये जो है John Steinbeck का work है, novella है, 1937 में आया. और ये जो story है वो Lenin and George की story है. Then The Sun Also Rise, 1926 का novel है, Ernest Hemingway का. Jake Burness इसमें protagonist है और narrator भी है. Seize the Day, the first published in 1956. Saul Bellow का work है. Tommy is the character in this novel. Then 27 question की अगर हम बात करें, who among the following writers belong to the American Beat Movement? So इसका correct option है option A, that is Allen Ginsberg. The American Beat Movement, also called Beat Generation. The Beat Generation was a group of author whose literature explored the influenced American culture in post-World War II era. Allen Ginsberg, Howl and the Other Poem is often considered representative of beat poet. The term beat generation is coined by Jack Kerouac. Question number 28, the lost generation is name applied to a disillusioned intellects and aesthetics aesthetics of ears of the year following the World War I, who called the lost generation. The lost generation ka naam diya hai Gertrude Stein ne, was a generation that came of the age during World War I. The term popularized by Ernest Hemingway in The Sun Also Rise, who credited the phrase to Gertrude Stein.
क्वेश्चन नंबर 29, हाइपरबोल इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 4 इज करेक्ट, एन एक्स्ट्रावेगेंट एग्जैगरेशन अ फिगर ऑफ अ स्पीच. सो येस, इट इज द यूज ऑफ एग्जैगरेशन एज अ रेटोरिकल डिवाइस और अ फिगर ऑफ अ स्पीच. देन क्वेश्चन नंबर 13, इमेजिन्ड कम्युनिटीज इज अ कंसेप्ट प्रोपाउंड बाय, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज बेनेडिक्ट Anderson coined this term in his book Imagined Community, in which he explained the concept in depth, first published in 1983. The new historicists include, तो न्यू हिस्टोरिसिज्म जो स्कूल ऑफ लिटरेरी थियरी है जो कि 1980 में पहले डेवलप हुआ, और ये स्टीफन ग्रीनबेल्ट का वर्क था, मतलब का ग्रुप था या उन्होंने प्रोपाउंड किया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें आएगा मॉन्ट्रोज, गोल्डबर्ग एंड ग्रीनब्लैट. देन क्वेश्चन नंबर 32, वेल्स स्टीवंस, द मैन विद वेलिस स्टीवंस, द मैन विद द ब्लू गिटार मे बी लिंक्ड टू द वर्क ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पिकासो. द मैन विद द ब्लू गिटार इज अ पोएम पब्लिश्ड इन 1937 बाई वेलिस स्टीवंस. इट इज डिवाइडेड इन टू 33 लेंदी सेक्शंस और कैंटो एंड टेक्स अ फॉर्म ऑफ इमेजरी कन्वर्सेशन विद द सब्जेक्ट ऑफ पेब्लो पिकासोज पेंटिंग द ओल्ड गिटारिस्ट. क्वेश्चन नंबर 33, द ऑथर जेंडर ट्रबल इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज जुडिथ बटलर. जेंडर ट्रबल फेमिनिज्म एंड सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी इज अ 1990 बुक बाय बटलर. The work is influential in feminism, women's study, lesbian and gay studies and queer theory. Then question number 34, the structural analysis of sign as practiced by, iska correct option hai D, that is Ronald Barthes. Ronald R.G. Barthes was a French literary theorist and philosopher. Barthes' introduction to the structural analysis of narrative is concerned with examining correspondence between structure and narrative. So a structural analysis of sign was related to Roland Barthes. Then which of the following is a spoof of a Gothic novel, iska correct option hai B, that is Northanger Abbey. It is first Jane Austen novel and that get published in 1798, रिटन अराउंड 1790 and 99, और ये पब्लिश हुई थी 1817 में आफ्टर हर डेथ. देन क्वेश्चन नंबर 36, द मैड वुमेन इन द एटिक इज स्पेसिफिक रेफरेंस टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बार्था मेंशन ऑफ जेन आयर. द मैड वुमेन इन द एटिक examines Victorian literature from a feminist perspective. The writer draw their title from Bronte Jane Eyre, in which Roaster's wife Bartha Meshon is kept locked in the attic by her husband. Question number 37, Dr. Johnson's The Lives of assertion hai ye. Dr. Johnson's The Lives of Poet carries critical biographical study of poets he admired. He does not, however, carry the life of William Wordsworth. Dr. Johnson singled out poet whom he not only admired but also adored. This explained his omission of Wordsworth. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नीदर ए नॉट, मतलब कोई ना तो एजर्शन सही है ना तो रीजन सही है. लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट, जिसको कि सैमुअल जॉनसन ने लिखा था, ये वो अपने प्रेज जिनको वो एडमायर करते थे उन्हीं पोएट को नहीं लिखा था. ये कुल मिला के 52 पोएट्स की शॉर्ट बायोग्राफी है जिसका क्रिटिकल अप्रेजल इन्होंने किया है, और वो पोएट थे 52, वो सारे पोएट थे जो 18th सेंचुरी के मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट थे. सो इस वजह से ये एजर्शन एंड रीजनिंग गलत है. देन क्वेश्चन नंबर 38, वॉट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट देख लेते हैं. सबसे पहले आता है मॉल फ्लैंडर, द फॉर्च्यून्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द मॉल फ्लैंडर इज द नॉवल बाई डेनियल डीफो पब्लिश्ड इन 1722. देन उसके बाद आता है पमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड, इट इज़ एन एपिस्टलरी नॉवल बाई सैमुअल रिचर्डसन पब्लिश्ड इन 1740.
उसके बाद आता है जोसेफ एंड्रयूज 1742 रिटन बाय हेनरी फील्डिंग. देन ट्रिस्ट्रम शैंडी, इट इज़ अ ह्यूमरस नॉवल बाय लॉरेंस स्टर्न रिटन इन 1759. क्वेश्चन नंबर 39, what a Englishman believe by heresy? It is a contradictory term. This means, so iska correct option hai option C, that is 1 and 3. An Englishman does not know what heresy is, and question matlab option jo 3 hai wo hai, and therefore there is no question of his heresy. So aage badhte hain. Question number 14, which of the following is an essential Freudian concept? So iska correct option hai B, that is uncanny. The psychological concept of uncanny as something that is strangely familiar rather than just mysterious was first introduced by Sigmund Freud in his essay Das Unheimliches Milix. I hope कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, नहीं गलत है. क्वेश्चन नंबर 41, ही रोट एन एसे कॉल्ड कॉनरेड्स डार्कनेस वेयर ही प्रेज द अर्लियर राइटर फॉर ऑफरिंग हिम अ विजन ऑफ वर्ल्ड्स हाफ मेड सोसाइटी. आइडेंटिफाई द राइटर. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज वी एस नायपॉल. विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल इज अ ट्रिनेडियन नॉवल प्राइज विनिंग ब्रिटिश राइटर नोन फॉर हिज कॉमिक अर्ली नॉवल सेट इन ट्रिनिडैड एंड Tobago. His essay Conrad's Darkness is popular among critics of Conrad's Heart of Darkness. Question number 42, magic realism is closely associated with, iska correct option hai option B, that is Gabriel Garcia Marquez. Magical realism is a literature that portrayal magical or unreal element as natural part of our environment. It accepts some magical element in the rational world. So yes, Gabriel Garcia Marquez is a Latin American literature writer, matlab writer jo ki closely associated hai magic realism se. Question number 43, who among the following combines anthropology, history and fiction? So iska correct option hai B, that is Mulk Raj Anand. He was an Indian writer in English. Anand is admired for his novel and short stories which have acquired the status of being classics work of modern Indian English novel. Question number 44, which of the following is not a partition novel? So iska correct option hai D, that is In Custody. Otherwise other jo work hai usko dekh lete hain. Train to Pakistan Khushwant Singh ka hai, 1956 mein published hai aur India Pakistan partition pe based hai. Sunlight on a Broken Column, ye अटिया हुसैन का वर्क है और 1961 में ये पब्लिश है. इट इज़ ऑल्सो अ पार्टीशन नॉवल. देन द शैडो लाइन 1988 अमिताभ घोष की है और ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पार्टीशन एंड रॉयट इन ढाका से रिलेटेड है. एंड जो कस्टडी है ये अनीता देसाई की नॉवल है और इट इज़ द स्टोरी ऑफ द डीवन ट्राइंग टू गेट एन इंटरव्यू ऑफ एन उर्दू पोइट नूर शाह जहां बादी सेट इन ओल्ड दिल्ली. इट इज नॉट अ पार्टीशन नॉवेल. क्वेश्चन नंबर 45 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या हैं देख लेते हैं. ट्रांसडेंटलिज्म वॉज अ फिलोसॉफिकल एंड अ लिटरेरी मूवमेंट. इट फ्लारिश इन द सदर्न स्टेट ऑफ अमेरिका इन 19th सेंचुरी. इट वॉज a recreation against 18th century rational or a skeptical philosophy of Locke. Among the major texts of transcendentalist thought are the essay of Emerson, Thoreau, Weldon and the writing of Margaret Fuller. So iska correct option hai A, that is 1 and 4. That वो क्या है. ट्रांसडेंटलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट डेवलप इन लेट 1820 एंड 1830 इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ US. द मूवमेंट वॉज रिएक्शन टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जनरल स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी. और यस, इसके जो मेजर ट्रांसडेंटलिस्ट हैं वो इमर्सन है, थ्योरो है एंड वेल्डन है. साथ ही साथ मार्गरेट फुलर भी इससे रिलेटेड है. देन क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक देखें तो ये पैसेज वाला
क्वेश्चन है, इसमें एक आपको पैसेज दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके के क्वेश्चन अब रेलेवेंट हैं, बट आप अगर देखना चाहें तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं और इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स वाई, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन वो देते भी हैं तो नो नीड कि वो यही पैसेज रिपीट करेंगे, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपको देखना है तो आप इसको पॉज कर लीजिए और फिर आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। इसी के साथ ये क्वेश्चन, ये जो पेपर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है 2009 दिसंबर का पेपर, ये यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट जो पेपर आएगा वो जून 2010 का पेपर आएगा। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, बिकॉज पेपर बहुत ही क्लोज है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।